हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। नमस्कार, मैं हूँ सुबोध सेठ और भोजपुरी बातें देखने वाले दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्कार है। सुबोध जी, आज वंश क्या है, कुछ इसके बारे में? मैं इस फिल्म में एक अहम किरदार कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। बाकी फिल्म की कहानी क्या है और सब क्या है ये मुझे पता नहीं है। ये जानता हूँ कि गौरव झा हीरो हैं, जीतू सिंह और पलक हीरोइन हैं, शायद मैं सुशील भैया विलेन हैं। मैं भी इसमें एक अहम किरदार कर रहा हूँ, ये पता है मुझे। अभी मुझे कुछ नहीं, राजू जी पे मुझे विश्वास है। राजू जी ने मुझे बस बोला कि मुहूर्त में आना है तो आना है। अभी उन्होंने बोला कि एक अहम किरदार है तो बड़े भाई है, जो बोलते हैं वो तो करते चले जाना है, और क्या। मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने बोला है तो अच्छा ही रोल होगा, जो भी होगा। एज ए विलन ही आपको डिजाइन किया है? वो चाहत मेरी चाहत भी यही है सर। आज तक जीवन में मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव रोल किया है, वो किया है संघर्ष में खेसारी जी के बड़े भाई का रोल, और वो मैं कर नहीं रहा था। वो अवधेश भैया का, अवधेश मिश्रा जी का और पराग पाटिल का विश्वास था कि कर लेंगे और अच्छा हो भी गया। हाँ, कभी कभी जीवन में सपना ही नहीं देखा हीरो बनने का सर। पता नहीं, फेस वेस देख के आईना आईना सच बोलता है ना कि शक्ल ही सारा विलेन टाइप था, तो क्या हीरो बन। अगर आपको कोई, जैसे आपने कहा कि संघर्ष में जो है वो एक पॉजिटिव रोल मिला, नेगेटिव में नहीं मिला, तो आपने जो कहा तो यहाँ तो आपकी बात फिर हो रही है कि आप अभी लोगों को उन लोगों को विश्वास था, जैसे अवधेश भैया बोले कि तू कर लेगा। अरे कर तो सकता ही हूँ हीरो का, लेकिन कभी सोचा नहीं करने के लिए। आप जो विश्वास करते हैं वो विलेन में विश्वास करते हैं या हीरो में विश्वास? सर, विलेन करने में एक वैरायटी है सर, उसको विलेन हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी भूमिकाएं करनी पड़ती है। हीरो का क्या गाना गाया है वैसे सब वो मुझे पसंद नहीं है कि मैं हीरोइन सब गाना गाऊँ, आइटम सॉन्ग पसंद है मुझे। भोजपुरी सिनेमा में एक अलग ट्रेंड चलता है, अलग गाने, कुछ लोग बनकर भी बोलते हैं, लेकिन अभी सिनेमा चेंज हुआ है। अभी अभी भोजपुरी में बहुत सुधार आया है पहले के हिसाब से। पहले जैसे वल्गरिटी नहीं आ रही है अभी भोजपुरी में, और ये एक अच्छा शुभ संकेत है हमारे भोजपुरी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चेंज है खेसारी की वजह से आया। अब किसी एक को इसका मतलब सेहरा बांध देना कि खेसारी जी की वजह से अच्छा हो रहा है भोजपुरी, ये बोल रहे हैं आप सिर्फ खेसारी जी का सर पर सेहरा बांध देना, ये सही नहीं होगा सर। बहुत सारे लोग लगे हैं जो वल्गरिटी को, तो सेहरा बांध के आऊँगा उनकी फिल्म में, वो हीरो है सर, उसमें डायरेक्टर रजनीश जी हैं, उसका कॉन्सेप्ट अवधेश मिश्रा जी ने दिया है। तो एक खेसारी जी भी चाहते होंगे कि वल्गरिटी ना हो, भोजपुरी फिल्म चले, लेकिन सिर्फ एक आदमी के माथे पर सेहरा नहीं बन सकता। मैं बहुत से लोग हैं सर, किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता ना। मैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि भोजपुरी साफ़ सुथरी भोजपुरी बने, ताकि ऑडियंस हमारे जो सिनेमा घर से भाग चुके हैं वो वापस आए। तो क्या आपको लगता है कि आप जो सिनेमा बन रहे हैं उससे ऑडियंस वापस आएगी? सर, आई होप आना तो चाहिए सर। भगवान से प्रार्थना है कि ऑडियंस जो रूठ गई है हम लोगों से, वो अच्छी फिल्म देखे और फिर सिनेमा हॉल में वापस आए। आपकी बात करना चाहेंगे, अभी मेरी आने वाली फिल्म है प्रतिबंध, कलाकार, विजेता, इन सब में बहुत अच्छे करेक्टर है। अभी मेरी एक फिल्म पिछले सप्ताह रिलीज हुई थी, मेरी जंग मेरा फैसला, इसमें खेसारी जी हीरो थे, उसमें विलन मैं ही था। मतलब दो सेट थे मेरे, लास्ट में मेरा पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी और सारी बहुत सारी फिल्में जो अभी लाइनअप है सर, वो फ्लोर पर पहुँच जाए तो फिर बात करेंगे दर्शकों से, कहेंगे कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.